देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कैशलेस और डिजिटल इंडिया स्कीम इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में साकार होती नजर आ रही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों को सुविधा देने के लिए एक कैश काउंटर खोला गया है, जिसके द्वारा छात्र डिग्री परीक्षा के नामांतरण सहित सभी प्रकार की फीस अब कैशलेस तरीके से कार्ड स्वैप कर जमा कर सकते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कैशलेस सुविधा का मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र धाकर ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। वहीं विश्वविद्यालय में आए एक छात्र ने जानकारी देते हुए बताया कि कैशलेस सुविधा शुरू होने से छात्रों को खुले पैसे लेकर आने की समस्या से मुक्ति मिलेगी, साथ ही कर्मचारियों और छात्रों को फॉर्म जमा करने में भी सुविधा नजर आई। जी, मैंने डिग्री के लिए अप्लाई करवाया और इन्फॉर्मेशन मीन्स इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था कि अभी से स्टार्ट हुआ है, लेकिन कैशलेस जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। मीन्स इसमें खुलने का कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता है और इजीली आप कर सकते हो कैशलेस से। काउंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट बस। क्या करवाना है? डिग्री के लिए अप्लाई किया था मैंने, क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज से। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र धाकड़ ने बताया कि जहां देश एक ओर डिजिटल इंडिया और कैशलेस ट्रांजेक्शन पर कार्य कर रहा है, आज विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नया काउंटर चालू कर दिया है। बच्चों को यहाँ पर बहुत सुविधा होगी बाहर के बाहर होने से, और बच्चों के लिए एक और काउंटर बढ़ा देंगे। वहाँ पर इंक्वायरी काउंटर पर बहुत रश रहने लगा है, बच्चे अब उसके बारे में जानकारी जानने लगे हैं, इसलिए रिसीव करने का फॉर्म यहाँ कर देंगे, फीस भरने का काम यहाँ हो जाएगा बाहर। तो बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा हमारा देना हमारा कर्तव्य है जो हम कर रहे हैं। कैशलेस काउंटर बिल्कुल बढ़िया हो रहा है ना, तो चलो अच्छी बात है, आप लोग खुशी मनाओ, तो यही तो खुशी की बात है। विश्वविद्यालय मॉडर्न होने जा रहा है और धीरे धीरे और प्रगति करेगा। विश्वविद्यालय ने भी आज छात्रों को सुविधा देते हुए कैशलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए जल्द ही एक काउंटर और तैयार कर दिया जाएगा।